यूं तो सरकार ने 12 दिसंबर को सीए लागू कर दिया था, लगभग 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन देश के तमाम जगहों पर अभी भी सीए के खिलाफ प्रदर्शन जारी हैं। इसी बीच सहारनपुर में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। देवबंद के ईदगाह मैदान में जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा बनाई गई कमेटी के लोगों पर सीए के विरोध में धरना दे रही महिलाओं ने चूड़ियों की बरसात कर डाली। दरअसल पुलिस प्रशासन की बनाई कमेटी का महिलाएं विरोध कर रही हैं। वहीं इस पूरे मामले में एसएसपी ने कहा है कि हम लोगों ने कुछ लोगों को प्रोटेस्ट कर रही महिलाओं को समझाने के लिए भेजा था, पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वहां तक जाने भी नहीं दिया गया और वापस भेज दिया गया। आजादी के नारे लगते हुए और दूसरी तस्वीर में जो पुलिस ने एक टीम बनाकर भेजी थी समझाने बुझाने के लिए, उन पर चूड़ियों की बरसात कर दी महिलाओं ने। तो सीए को लेकर यहां अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। सहारनपुर में यहां के ईदगाह के मैदान में यहां लोगों ने खुलकर आजादी आजादी के नारे लगाए और महिलाओं ने यहां अनोखा प्रदर्शन करते हुए जो टीम उन्हें समझाने भेजी थी पुलिस ने उन पर चूड़ियां बरसा दी अपनी। आजादी आजादी के नारे लगते रहे, हालांकि आजादी किस बात की ये समझना दिलचस्प होगा। जब विरोध की आजादी है, प्रदर्शनों की आजादी है, चलिए सहारनपुर के एसएसपी साहब का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, वो सुनवाते हैं आप। गांव ये देवबंद के ही जो उनके गली मोहल्ले के ही लोगों को सम्रांत व्यक्तियों को कमेटी बना के हम लोगों ने उनसे पूरा बिंदु वाइज डिस्कस किया है और जो इसको लेके जो तमाम जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और ये अफवाहें हैं इसे दूर करके सभी लोगों का जो चीज़ें स्ट्रेट करते हुए लोगों को महिलाओं को समझाने के लिए हम लोगों ने भेजा है। वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा जो है इनको वहाँ तक बात करने भी नहीं दिया गया है, उनको वहीं से फिर इनको नारेबाजी करके वापस लौटा दिया गया है। अलीगढ़ के शाह जमाल में नागरिकता कानून के खिलाफ पिछले एक हफ्ते से महिलाओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रशासन धरने पर से सभी को हटाने के लिए तमाम कोशिशें कर चुका है, लेकिन सिर्फ नाकामयाबी ही हाथ लगी। धरना प्रदर्शन में माहौल खराब करने की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने 300 लोगों को नोटिस थमा दिया है। तो अलीगढ़ का शाह जमाल कि आप सभी लोग जानते हैं कि शाहजमाल ईदगाह पे पिछले लगभग एक हफ्ते से महिलाओं का धरना प्रदर्शन चल रहा है सीए के विरोध में। तो उस धरने को जो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे हैं चिन्हित किए गए हैं पुलिस प्रशासन द्वारा जो कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में अब व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और शांति भंग की संभावना बनी हुई। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको शांति भंग की संभावना के दृष्टिगत 116 की नोटिस जारी की गई है और उन्हें पाबंद किया जा रहा है।